नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक वानखड़े। राजनीति की कहानियां तो बहुत है, खबरें बहुत है, विश्लेषण भी बहुत होगा। सुबह से शाम तक आप कई पोर्टल्स पे, कई चैनल्स पे देखते होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो खबर पढ़ने के बाद नींद उड़ जाती। खबर पढ़ने के बाद इंसान सोच में डूब जाता है, आंखें नम हो जाती है कि क्या अमृत काल के मायने ये भी हो सकते हैं। क्या इस देश में पैसे की सत्ता इतना बढ़ चढ़ के बोलती है कि एक गरीब की जिंदगी की कोई मायने नहीं रहते। मैं महानगर मुंबई की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं, रात भर मुंबई चलती रहती है। मुंबई में रात भर चलने के बाद भी व्यभिचारों के केसेस कम है। मुंबई फिर भी एक संजीदा सिटी मानी जाती है, लेकिन उस शहर में ऐसी अमानवीय घटना घटी कि फिर लगता है कि सत्ता और पैसा, बिल्डर और नेता, इसका गठजोड़ जब होता है तो क्या इतना दिमाग खराब होता है घर वालों का कि फिर वो आम इंसान को कीड़े मकोड़े जैसे समझने लगते हैं। सीधे कहानी पे आता हूं। रविवार की बात है, सुबह 5:15 बजे एक परिवार, प्रदीप नखवा, पत्नी कावेरी नखवा, प्रदीप 50 साल के है, कावेरी 45 साल की है, उनके दो बच्चे हैं। एक परिवार है, मछली बेच के परिवार पालते हैं। क्रॉफर्ड मार्केट से सुबह सुबह मछली खरीद कर अपने शॉप के लिए वो स्कूटर पे बैठकर वर्ली कोलीवाड़ा जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं लगा कि रास्ते में जो अट्रिया मॉल है वहां पर कुछ समझने के पहले एक धड़ाम करके आवाज आती है। प्रदीप नीचे गिरते हैं अपने स्कूटी से। वो देखते हैं कि पीछे एक BMW स्पीड से जा रही है और उसके ऊपर, उनकी बोनट के ऊपर उनकी पत्नी गिरी हुई है। वो जोर जोर से चिल्ला के रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो गाड़ी रुकती नहीं। प्रदीप की पत्नी कावेरी उस गाड़ी के पहियों में आ जाती है। 3 किलोमीटर तक वो घसीटती जाती है। प्रदीप को कुछ समझ में नहीं आता, स्कूटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वो खुद जख्मी है। बड़े मुश्किल के पास के रेलवे पुलिस स्टेशन पे जाके वो ये सूचना देते हैं कि मेरी पत्नी गाड़ी उड़ा के ले गई, मेरे को दिख नहीं रही है और ये ऐसा ऐसा हो गया। पुलिस सर्च में लगती है तो 3 किलोमीटर के बाद कावेरी क्षित विपिष्ट स्थिति में पड़ी हुई मिलती है। उसको इतनी बुरी तरह से गाड़ी ने घसीटा कि उसके शरीर के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं रहा। तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल है, वहां लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्रॉड डेड, ये आप डेड बॉडी लेके आए। सवाल है कि ये रात भर दारू पीकर किस रही चादे ने किया। बाद में जो पुलिस तहकीकात करती है तो कालानगर वो एरिया है मुंबई का जहां बाला साहब ठाकरे का घर है। कालानगर वो एरिया है जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सालों पहले जो कला के क्षेत्र में विभिन्न बड़े लोग थे उन्हें प्लॉट देके सबके बंगले बने थे। बाला ठाकरे को एज अ कार्टूनिस्ट, एज अ पेंटर आर्टिस्ट वहां प्लॉट मिला था। तो बाला साहब ठाकरे की पूरी सत्ता कालानगर से चलती थी। आज भी उद्धव ठाकरे कालानगर में ही रहते। तो कालानगर में वो गाड़ी मिली जिसके नंबर प्लेट निकाली हुई थी। उस गाड़ी के ऊपर शिवसेना का स्टिकर था। गाड़ी की नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर ही पिछले सीट पे पड़ी हुई पाई गई। ये घिनौना कांड किसने किया? एक राजेश शाह बिल्डर है पालघर के, एकनाथ शिंदे के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, एकनाथ शिंदे के शिवसेना में वो नेता है। उन्हीं के बेटे मिहिर शाह, जिसकी उम्र 24 साल है, मिहिर शाह ने 10वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद वो अपने पिता के रियल एस्टेट के धंधे को संभालने क्या लगे। ये जो नवधन पशु होते हैं इनके अपने पैसे का इतना गुमान होता है कि वो बच्चों के शिक्षा पे ध्यान नहीं देते,
फिर बच्चे, बाप के पैसे और शिवसेना की दादागिरी या शिवसेना की सत्ता जो एकनाथ शिंदे की थी उसके भरोसे पूरे मुंबई को अपने बाप की जागीर समझते। ये मिहिर सेन रात को जुहू के एक बार है, जुहू के एक बार में ग्लोबल तपस बार, वहां ये रात भर दारू पीते रहे दोस्तों के साथ, करीब करीब 18-20 हजार रुपए का बिल है उनका। उसके बाद वो सीधे जुहू से गोरेगांव गए, फिर गोरेगांव से अपने गर्लफ्रेंड को मिलके वहां से उन्होंने ड्राइवर को कहा कि लॉन्ग ड्राइव पे चलो, मरीन ड्राइव चलते। वो मरीन ड्राइव निकले और मरीन ड्राइव से वापस वर्ली आने के लिए फिर उसने अपने ड्राइवर राजेश बिदावत, 31 साल का है, उसको बोला तू हट, मैं गाड़ी चलाता हूं। और गाड़ी स्टीयरिंग पे मिहिर शाह बैठा और एक अंधाधुंध स्पीड से गाड़ी चलाने लगा और रास्ते में स्कूटर को उड़ा दिया। उसके बाद रात में ही जब उसने उड़ा दिया, उसके बाद ये गाड़ी भगा के कलानगर ले गए, क्योंकि डेड बॉडी 3 किलोमीटर घसीटने के बाद कावेरी की बॉडी गाड़ी से छूट गई। ये वहां गए, ये डर गए, तो इन्होंने शिवसेना का स्टिकर जो गाड़ी पे था वो खरोचने का प्रयास किया और गाड़ी का नंबर प्लेट निकाल के पीछे डाल दिया और ये भाग गए। मिहिर अभी भी भागा हुआ है, उसको लोग ढूंढ रहे हैं। उसके बाद ये जब कलानगर का ही मामला हुआ तो आदित्य ठाकरे तुरंत पहुंच गए, फिर क्योंकि शिवसेना का नेता था तो लोग एक्टिव हो गए। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो एक्शन दी जाएगी। और फिर उस ड्राइवर को ढूंढा गया, जो राजरीश बिदावत है उसको अरेस्ट किया गया, फिर राजेश शाह जो उनके पिता है उनको अरेस्ट किया गया, फिर जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड उसको भी अरेस्ट डिटेन किया गया। अब कुल मिला के मुंबई की होनहार पुलिस मिहिर शाह को ढूंढ रही और मिहिर शाह गायब है। एकनाथ शिंदे जोरों शोरों से कह रहे हैं कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो छोटा हुआ है। मुंबई की पुलिस जो रातों रात शाहरुख के बेटे को उठाती है, मुंबई की पुलिस करने को तो बहुत कुछ करती है, यही मामला किसी विपक्ष का होता तो अभी तक सब ट्रेस हो जाता। लेकिन यदि सत्ता पक्ष के साथ आपका गठबंधन है, सत्ता पक्ष के दरबार में आपका वजन है, तो फिर पुलिस भी आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकती। ये मुंबई पुलिस की कहानी। कहते हैं मुंबई में अंडरवर्ल्ड का रूल चलता है, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड में बात करो तो वो लोग कहते हैं कि मुंबई का सबसे बड़ा भाई मुंबई पुलिस है। मुंबई का हर क्राइम मुंबई पुलिस के संज्ञान में होता है और कई जगह तो मुंबई पुलिस के परमिशन से होता है। ये सच्चाई है और बहुत घिनौनी सच्चाई है। इसीलिए मुंबई पुलिस में पोस्टिंग के लिए करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। 100 करोड़ का वसूली का बात भी आपने देखी होगी, जिस अनिल देशमुख को 13 महीने जेल में 100 करोड़ की वसूली के लिए भुगतने पड़े। वो वसूली तो वजह करता था कमिश्नर के लिए, ऐसा वजह का स्टेटमेंट है कोर्ट के सामने, जहां महीने के 100 करोड़ रुपए सिर्फ डांस बार से आते हो, बाकी जगह पैसे का क्या खेल। उसके बाद ये जो सेक्शन FIR में लगी वो सेक्शन है 105, कल्पीबल होमासाइड, मतलब किसी की हत्या होना लेकिन जानबूझ के हत्या न करना। फिर 281 रैश ड्राइविंग, 125 किसी मनुष्य को हानि पहुंचाना, 238 एविडेंस को खत्म करना, जो उन्होंने नंबर प्लेट और वो स्टिकर निकालने का प्रयास किया, और 324 आम आदमी को तकलीफ पहुंचाना। लेकिन प्रदीप का कहना है कि जैसे ही मेरी पत्नी उछल के बोनेट पे पड़ी तभी गाड़ी ब्रेक लगाती तो शायद मेरी पत्नी बच जाती। इन्होंने ब्रेक नहीं लगाए, वो पत्नी बोनेट से नीचे गिरी, पहिए में आ गई और पहिए में अटक के, बोनेट और पहिए के बीच में अटक के वो 3 किलोमीटर तक घसीटती गई। ये क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि उसका पिता एकनाथ शिंदे का मित्र है।
ऐसा ही एक किस्सा कुछ दिन पहले पुणे में हुआ। मई 19 को पुणे में रात को 2:30 बजे एक बिल्डर का बेटा ऐसी ही एक लग्जरी कार गाड़ी चलाते हुए स्कूटी पे चल रहे एक लड़का और लड़की को उठा देते हैं और एक आईटी इंजीनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 24 साल की उम्र उसकी और अपनी जान खो देता है। उसके बाद जब वो लोग उसको पकड़ते हैं थाने में दे देते हैं तो उसके मदद के लिए सत्ता पक्ष के एक विधायक पहुंचे। उस लड़के को पुलिस कस्टडी में पिज्जा और बर्गर मंगा के खिलाया जाता है, उसकी आवाभगत होती है। फिर उसको नाबालिग कह के ज्यूलियन होम में भेजा जाता है और वहां से उसको जमानत भी होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बिल्डरों को पता है कि उनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में बिल्डरों के पास आधा पैसा पॉलिटिशियंस का लगा है। जो अकूत भ्रष्टाचार होता है, जो महाराष्ट्र में अभी 15% का रेट है, 3-3% का तीन राजनीतिक दलों का, 3% का दिल्ली का, 3% का पूरा सिस्टम का, ऐसा 15% का, और बिल्डर जो भी है कॉन्ट्रेक्टर वो भी अपने लिए 15% रखे तो 30% का खेल है। कर्नाटक में 40 तो यहाँ 30%। जब पैसा आता है नेताओं के पास तो मुंबई में ज्यादातर जो खासकर बॉम्बे के नेता है ज्यादातर आपको ये रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरेस्ट होता है। कहीं बेनामी संपत्ति, बेनामी पार्टनर है, कहीं दूर से अपने सालों के साथ, तो कभी दूर दूर के संबंधों के साथ अपने पार्टनरशिप में रहते हैं। मुंबई में जो भी बिल्डर है उसके पास या तो अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन या बिल्डर का नेताओं का पैसा, इसीलिए उनकी नेताओं से नजदीक है। और इसी नजदीकी के चलते उनके बच्चे ये सोचते हैं कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब मेरा बाप बहुत बड़ा बिल्डर है यहाँ पैसे की कमी नहीं, और मेरे बाप का पार्टनर इस देश के बड़े नेता है जहाँ सत्ता की कमी नहीं, तो फिर कीड़े मकोड़ों की जैसी कीमत हो जाती है रास्ते पे चलने वाले। मुंबई में नाइट लाइफ है, लेकिन नाइट लाइफ में ये जो रईसों के बच्चे हैं और खासकर नवधन पशु के, क्योंकि खानदानी परिवार के जो लोग हैं मारवाड़ी परिवार के, मैं इसलिए नहीं किसी कम्युनिटी को उत्साहित कर रहा हूँ या इंगित कर रहा हूँ, लेकिन जो खानदानी रईस होते हैं उनके यहाँ आज भी डिसिप्लिन है। 24 साल का लड़का जो 10वीं पास है वो रात भर गायब है घर पे, और राजेश शाह सो रहा था, उसे कोई लेना देना नहीं था बेटा कहाँ जाता है। रात भर बेटा गायब है और अपने गर्लफ्रेंड के साथ रात बिता रहा है कि दोस्तों के साथ रास्ते में लोगों की जाने खतरे में डाल रहा है। ये चलती फिरता एक ये जो रईस जादू का जो क्लब है, ये चलता फिरता आतंक है मुंबई के सड़कों पर। मैंने पूना का आपको केस बताया, ऐसा ही जून 18 को नागपुर में ढिंडोरी टोल ब्रिज पे कुछ आदिवासी राजस्थान के काम पे जा रहे थे, तो वो टोल पे फुटपाथ पे सो रहे थे 17 लोग। एक ऐसी ही गाड़ी आती है रात को किसी का बर्थडे मना के किसी ढाबे पे, दारू पी के रहित जाते इतने स्पीड से गाड़ी चलाते हैं कि वो 17 लोगों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसमें से 3 मारे जाते हैं, बाकी गंभीर रूप से घायल हैं। ये तीनों हादसे ये मात्र 1 महीने के बीच के हैं। छोटे मोटे हादसे तो कई है जिसमें किसी इंजीनियर को उड़ाया, किसी डॉक्टर को उड़ाया, वो तो हो सकता है कि निग्लिजेंस हुआ, लेकिन ये दारू पी के शराब पी के गाड़ी चलाना, शराब पी के रात भर बार खुले रहना, और रात को बार से ये निकल कर ड्राइवर को पीछे करके साहबजादे जब गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे हादसे होते हैं। इनके लिए जब कहीं प्रियंका चतुर्वेदी ट्वीट करती है तो कहीं आदित्य ठाकरे चले जाते हैं, तो ऐसे केस को फिर राजनीतिक रंग चला जाता है, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के नजदीक ही था इसलिए सब टूट पड़े। जब वो टूट ही पड़े हैं तो इसको राजनीतिक रंग जब दिया जाता है तो ओरिजिनल केस कमजोर हो जाता है। जैसे ही नेता घुसते हैं तो इसको पॉलिटिकल कलर दिया जाता है, और फिर शिवसेना शिंदे वाले भी प्रयास करेंगे कि वो अपनी चमड़ी बचाए, इसके चक्कर में वो गुनहगार बन जाता है। और आज जो पति है उसका प्रदीप नकवा, वो यही कह रहा है बार बार रो रो के कि मेरी क्या गलती, मेरी पत्नी की क्या गलती, मेरे बच्चों की क्या गलती, मैं तो जिंदगी से उठ गया। उसकी पत्नी उसके हाथ मतलब शॉप पूरी संभालती थी, वही पत्नी पत्नी और दोनों पति पत्नी मिलके पूरा घर चलाते थे, आज उसके रथ का एक पहिया निकल गया।
लेकिन उसका ये भी कहना है कि इसमें राजनीतिक जो इतने एक्टिव हो गए हैं कि मुझे डर लगने लगा है कि क्या मुझे न्याय मिलेगा। ये जो केस उस पर धारा लगी है कल्पेबल होमिसाइड, इसके जगह यह हत्या का प्रयास की धारा या हत्या का धारा लगनी चाहिए थी, क्योंकि बुलेट के गिरने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत गाड़ी रुकती तो शायद उसको मार लगती, उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता, वो बच जाती। लेकिन उसको 3.5 किलोमीटर जिस हिसाब से घसीटा गया, और जो प्रदीप ने बताया कि जब वो डेड बॉडी के पास गया, मतलब उस जख्मी पत्नी के पास गया, तो पूरा शरीर लहूलुहान था, कोई शरीर पे कपड़ा नहीं था, कपड़ा और चमड़ा दोनों उधड़ गए थे। इतना ब्रूटल हत्या है ये, लेकिन फिर बेटा बिल्डर का है और मुख्यमंत्री दोस्त का है, तो फिर धारा तो 105 की लगी। ये नहीं जो अभी 1 जुलाई से जो इंडियन पिनल कोड जो नए रूप में आया है उसकी ये देन है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजन जी का यूट्यूब चैनल।